ओके स्टूडेंट, तो अभी हम नया टॉपिक स्टार्ट करें, दैट इज एडेप्टेशन। ओके, हमने डिफरेंट देखा है कि किस तरह से लिविंग थिंग्स एबायोटिक फैक्टर्स को रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी मीन से कर रहे हैं, ठीक है, उनके फिजियोलॉजिकल मीन से भी हमने देखा और उनका बिहेवियर मीन से भी हमने देखा कि किस तरह से वो लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं। मतलब इन शॉर्ट, और लिविंग थिंग्स को, ऑर्गेनिजम्स को अगर पर्टिकुलर एनवायरमेंट में सर्वाइव करना है, ठीक है, सर्वाइव करना है प्लस रिप्रोडक्शन करना है, तो उनको किसी भी तरह उस कंडीशन को फेस करना पड़ेगा और उसी को हम एडप्टेशन बोलते हैं कि वो लोग एडप्ट कर रहे हैं, वो कंडीशन को एडप्ट कर रहे हैं खुद को सर्वाइव एंड रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए, ठीक है। तो वही टॉपिक हम स्टडी करेंगे विथ सम एग्जांपल्स। वाइल कंसिडरिंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स अवेलेबल टू ऑर्गेनिज्म फॉर कॉपिंग विद द एक्सट्रीम्स इन द एनवायरमेंट, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के पास जिससे वो कॉप मतलब एनवायरमेंट में खुद को एडजस्ट कर सके। सम आर एबल टू रिस्पॉन्स थ्रू सर्टन फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट वाइल अदर्स बाय बिहेवियर। कोई फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट या फिर कोई अपना बिहेवियर मतलब माइग्रेट हो जाना, ठीक है, हमने देखा सब, तो डिफरेंट अल्टरनेटिव होते हैं। कोई वहां पर रहकर ही एडजस्ट करता है, अपने इंटरनल टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लेता है, बाहर भले ही इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, कोई हाइपरनेशन में चला जाएगा, कोई एस्टिवेशन में चला जाएगा, तो हमने डिफरेंट मींस देखे हैं किस तरह से वो एडजस्ट करते हैं, और कोई माइग्रेट भी हो जाएगा टेम्पररी पीरियड के लिए, वो जगह ही छोड़ देगा। दिस रिस्पॉन्स आर एक्चुअली द एडेप्टेशन, इसी को हम एडेप्टेशन बोलते हैं। अगर आपको पूछे राइट द डेफिनेशन ऑफ एडेप्टेशन, देन यू हैव टू राइट एडेप्टेशन इज एन एट्रीब्यूट of the organism's morphological physiological behavior that enables the organisms to survive and reproduce in its habitats, तो इसको हम adaptation बोलते हैं। अभी continuous क्या होता है ना कि years to years फिर वो ही चीज को organism adapt करते रहते हैं, तो फिर वो चीज उनके जीनेटिकली फिक्स हो जाता है, मतलब इट गिव्स द राइज टू द इवोल्यूशन। हम देखते हैं ना मिलियंस ऑफ इयर्स के बाद अगर कुछ हम फिर से ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत सारा चेंजेस देखने को मिलता है। यही है कि एडजस्ट होते 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 उनका जीन्स में वो चीज फिक्स हो जाती है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कैंगारू रेट का, जो नॉर्थन अमेरिकन डेजर्ट में मिलता है। अब ये जो एरिया है ना, वहां पे वाटर प्रॉब्लम बहुत रहता है, ओके, तो कैंगारू रेट उस वाटर प्रॉब्लम में खुद को कैसे सरवाइव करता है, ठीक है, तो अभी अगर उसको बाहर से पानी नहीं मिल रहा, ओके, तो वो क्या करेगा, अपना इंटरनल फैट को ऑक्सीडेशन की प्रोसेस, इंटरनल फैट का जब ऑक्सीडेशन होगा तो उसमें से उसको वाटर एज द बाय प्रोडक्ट मिलता है, हाँ, तो वो वाटर को यूज करेगा खुद को सर्वाइव रखने के लिए। एंड जो यूरिन होगा, इट ऑल्सो हैज द एबिलिटी, उसमें ये एबिलिटी भी है टू कंसंट्रेट इट यूरिन, मतलब जो यूरिन जा रहा है उसमें पानी की अमाउंट बहुत कम होगी, ठीक है, मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर इज यूज टू रिमूव द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ओके, तो ये दो रीजन की वजह से वो नॉर्थन अमेरिकन डेजर्ट में भी सर्वाइव रहता है। सेकंड, यहाँ पे एक डेजर्ट प्लांट का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हमें पता है डेजर्ट प्लांट का जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो किस तरह से होती है, हाँ, डेजर्ट प्लांट में क्या, जनरली प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हमें पता है कि कैसी होती है, दिन में स्टोमेटा खुलता है, कार्बन डाइऑक्साइड इन होता है, उसके साथ ही थोड़ा वाटर भी इवोपरेट हो जाता है और उनकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अकर होती है। अभी डेजर्ट प्लांट क्या है ना, दिन में स्टोमेटा उनका ओपन नहीं कर सकता है, क्योंकि ओपन करने जाएगा तो क्या होगा, पानी जो ऑलरेडी उनको पानी की तकलीफ है, प्लांट के अंदर जो थोड़ा बहुत बचाया हुआ पानी है वो भी स्टोमेटा से थोड़ा बहुत तो इवोपरेट हो ही जाएगा, ठीक है, इसीलिए दिन में पूरा दिन उनके बॉडी का उनका स्टोमेटा बंद ही रहता है, नाइट में स्टोमेटा ओपन होता है, ठीक है, कब ओपन होता है, नाइट में ओपन होता है, क्योंकि नाइट में क्या होता है ना, कूलिंग होती है, तो नाइट में उनका स्टोमेटा ओपन होता है, ठीक है, और फिर जो भी है CO2 है वो सब भी वो लोग ले लेंगे और फिर
दिन में उनकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, क्योंकि दिन में फिर उनको सनलाइट मिलेगी ना, तो उनकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। और मोर ओवर उनके जो सरफेस होता है ना, लीफ सरफेस, वहां पे थीक क्यूटिकल्स होते हैं, और एक स्टोमेटा होता है ना, वो पीट खड्डे जैसे में अरेंज होता है। खड्डे के अंदर स्टोमेटा होने की वजह से जब वो खुलेगा तो वाटर आसानी से इवोपरेट नहीं होता है। ओके, या तो ये जो कार्बन फिक्सेशन का जो ये प्रोसेस है उसको CAM फोटोसिंथेसिस पाथवे बोलते हैं, ठीक है। उसका फुल फॉर्म यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, क्रेस्टुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोमेटा ड्यूरिंग डे टाइम बंद रहता है और नाइट में ओपन होता है। कुछ डेजर्ट प्लांट है जैसे ओपनचा है, उनमें लीव्स ही नहीं होते, क्योंकि उनके लीव्स कन्वर्ट हो गए, रिड्यूस हो गए, किसमें, स्पाइन्स में, है ना। और फोटोसिंथेसिस का फंक्शन कौन करता है, फ्लैटन स्टेम करता है उनके। ओके, तो ये वीडियो में मैं यहाँ तक का एडप्टेशन का टॉपिक कवर किया है। ओके, तो ईजी है, रीड कर लेना।